और इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के धार से नगांव से एक खबर है और वहां पर कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आपको बता दें, एक तरफ राहुल गांधी की जो यात्रा है वो निकल रही है और दूसरी तरफ अब धार नगांव से एक खबर है जहां पर कांग्रेस के जो विधायक हैं उन पर एक 38 वर्षीय महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है और नौगांव थाने में उसकी FIR भी दर्ज करवाई है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ये महिला है उसने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस से विधायक उमंग सिंघार ने उनका रेप किया है और साथ ही साथ वो उनकी पत्नी हैं और उन पर लगातार दुष्कर्म का आरोप यहां पर लगाते हुए FIR दर्ज की है। ये बात निकलकर अब सामने आ रही है। अब इसके बाद लगातार जो BJP है वो हमलावर है। BJP के जो प्रवक्ता हैं शहजाद पूनेवाला, उन्होंने हमला बोला है और सवाल पूछा है कि इस पर कांग्रेस और साथ ही साथ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी चुप क्यों हैं। ये बात उन्होंने कही है, आपको सुनवाएंगे और साथ ही साथ ये भी सुनवाएंगे कि MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर क्या कुछ कहा है। सबसे पहले शहजाद पूनेवाला को सुन लीजिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक उमंग सिंघार पर बलात्कार का, अननेचुरल ऑफेंसेस का, महिला के साथ उत्पीड़न और हैरेसमेंट करने का केस दर्ज किया गया है, FIR दर्ज हो गई है। ये पहला ऐसा उदाहरण नहीं है जहां पर किसी कांग्रेसी विधायक ने या कांग्रेस के विधायक से जुड़े हुए परिवार के लोगों ने महिला के साथ उत्पीड़न और बलात्कार किया है, परंतु प्रियंका वाड्रा जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देती हैं, वो ऐसे मामलों पर चुप क्यों हो जाती है? उनका आक्रोश महिला उत्पीड़न को लेकर सिलेक्टिव क्यों हो जाता है? किसी और प्रदेश की बात हो या किसी और व्यक्ति की बात हो तब तो वो प्रोटेस्ट पर चली जाती है, परंतु जब उन्हीं के विधायक इस प्रकार के कृत्य करते हैं तो क्या उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगी? जब उनके मंत्री राजस्थान में बोलते हैं कि लड़कियों का बलात्कार होगा क्योंकि मर्दों का प्रदेश है, या जब उनके मुख्यमंत्री राजस्थान में कहते हैं कि बलात्कार के ज़्यादातर मामले फेक होते हैं, जब राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश में उनके विधायकों के बेटों पर इस प्रकार के आरोप लगते हैं और लोग कहते हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ तो बाद में करेंगे, कांग्रेस के लड़कों से कौन बचाएगा हमें, तब प्रियंका वाड्रा इन लोगों पर न कार्रवाई करती है, ना उनके महिला विरोधी बयान महिला विरोधी सोच पर कार्रवाई करती है। और आज इसीलिए जहाँ पर भी कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर उनके विधायक, या जहाँ पर उनकी सरकार न भी है वहाँ पर भी उनके विधायक ऐसे कृत्य करते हैं। राजस्थान तो नंबर 1 बन ही चुका है बलात्कार के मामलों में। झारखंड में भी किस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं वो हमारे सामने है, परंतु प्रियंका वाड्रा मौन है। अब इस पर MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है और उन्होंने भी कांग्रेस पर हमला बोला है, सुनिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, गुजरात चुनाव के सह प्रभारी, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक उमंग सिंघार जी पर धार जिले के नौगांव थाने में दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप उनकी पत्नी ने लगाया है। पुलिस द्वारा जानकारी दी के अनुसार इनके और भी पूर्व में पत्नियां थीं। पुलिस ने 498A, 323, 376, 2N, 370, 294, 506 सहित अन्य धाराओं में मामला नौगांव थाने में धार जिले में दर्ज किया है। सुना आपने किस तरीके से भाजपा के जो ये बड़े नेता हैं उन्होंने लगातार कांग्रेस पर वो हमलावर हैं। आपको बता दें कि जो कांग्रेस की जो यात्रा है वो 23 तारीख को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और उससे पहले यहाँ पर ये बड़ा विवाद एक खड़ा हो चुका है। आपको बता दें उमंग सिंघार पहले भी विवादों में रह चुके हैं। उनकी एक महिला मित्र थी जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, वो पंजाब की रहने वाली थी, उस पर भी वो सुर्खियों में बने रहे थे, विवादों में आए थे और उसके बाद से वो लगातार उनसे कई सवाल इसको लेकर पूछे गए थे, लेकिन उन्होंने अभी भी इस मामले पर भी चुप्पी साध रखी है। आपको बता दें कि वो पूर्व मंत्री भी कांग्रेस सरकार में रह चुके हैं और साथ ही साथ उनको अभी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी भी बना दिया गया है। इसके बाद BJP और यहां पर हमलावर हो गई है और सवाल पूछ रही है कि क्यों कांग्रेस और राहुल गांधी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं। VK News, राष्ट्र के नाम।